This is fourth lecture of the chapter Solid State. So here we'll generally discuss about defect or imperfection. है ना, हम लोग जो दो टाइप का सॉलिड पढ़ा था, क्रिस्टलाइन एंड amorphous. Amorphous में क्या था कि रेगुलर arrangement नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए रेगुलर arrangement नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए रेगुलर हो सकता है, लेकिन थोड़ा दूर जाने से फिर स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है. लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, हर एक जगह का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है. उसी को हम लोग बोलते हैं कि यूनिट सेल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ओके, सेम यूनिट सेल रिपीट हो रहा है. तो लेकिन रियल में, रियल लाइफ में, रियल में हर एक सिस्टम में क्या होता है, डिफेक्ट होता है, इम्परफेक्शन होता है. सो इम्परफेक्शन सॉलिड दो टाइप के इम्परफेक्शन होते हैं. पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. कोई particular जगह से atom का defect होगा, ठीक है. और line defect हो गया, line defect are the irregularities or deviation from ideal arrangement in an entire row of lattice point. मतलब एक line में defect होगा. तो ये major defect है, line defect है, ऐसे भी हम लोग नहीं पढ़ना है. सिंपल दो डिफेक्ट का इसमें डेफिनेशन देख लेना, बोर्ड एग्जाम में एक मार्क का आ सकता है. हम लोग का मेनली जो पॉइंट डिफेक्ट है उसका क्लासिफिकेशन करना है. पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप का है. स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसका और एक नाम है इंट्रिंसिक, और एक नाम है थर्मोडायनेमिक्स. और इसमें एक लाइन याद रखना, डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री. स्टोइकोमेट्री जो है ना, डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है. एंटर क्रिस्टल डिस्टर्ब नहीं होता है. और नॉन स्टोइकोमेट्रिक में क्या होता है, सेकेंड नंबर है नॉन स्टोइकोमेट्रिक, डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री. एंड थर्ड नंबर हो गया आपका इम्पुरिटी डिफेक्ट. इम्पुरिटी डिफेक्ट हो गया आपका डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड, मैंने नहीं लिखा इन लाइन को, डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड वा आयनिक सॉलिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्पुरिटीज, ठीक है. जैसे हम लोग सॉल्ट को जब सी से लाते हैं, उसको प्यूरिफाई करना होता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मिक्स होता है, उसको क्या करना होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसमें मैग्नेशियम क्लोराइड मिक्स है, तो क्या होगा, क्रिस्टल आपका क्या होगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा ना. सोडियम क्लोराइड, मैग्नेशियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा ना. जैसे मान लो कि यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम छोटा है, क्लोरिन थोड़ा बड़ा होगा, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड. अभी मान लो कि मैग्नेशियम दो क्लोरिन, तो यहाँ का क्रिस्टल और यहाँ का क्रिस्टल क्या होगा, डिफरेंट होगा. This defect is due to impurity, presence of impurity. लेकिन हम लोग का मेनली बोर्ड एग्जाम में आता है ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है ना, उसका क्लासिफिकेशन मेनली आता है. उस चार टाइप का स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्ट की एंड फेंटल. ये चारों में से क्वेश्चन आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, एक दो मार्क्स का. तो देखो मेनली वैकेंसी में क्या होता है, जैसे मान लो कैसे क्रिस्टल है, तो किसी एक जगह से एटम मिसिंग है, यहां से मिसिंग है, तो एटम मिसिंग होगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम होगा. तो आपको देखना है कि लिखना है कि अभी वैकेंसी डिफेक्ट में कहीं एक जगह से एटम क्या होगा, मिसिंग होगा, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा. एटम से तो मास आता है, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगा. और ये डिफेक्ट क्रिएट होता है, जनरेट होता है ड्यू टू हीट, हीटिंग का वजह से तुम्हारा क्या होता है, क्रिएट होता है हीट का वजह से. जैसे अभी हम लोग कोई भी कार वगैरह बहुत दिन आपका धूप में रख दिया तो क्या होता है, कलर फेड अप हो जाता है, ठीक है. तो हीट ज्यादा करने से आपका जो कमजोर से बांधा हुआ है एटम्स, वो निकालने का क्या होता है, चांस होता है, वैकेंसी क्रिएट होने का चांस होता है. और सेकेंड वाले इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो कि ऐसा एटम लो का अरेंजमेंट है, ठीक है, कोई एटम मतलब क्रिस्टल में छोटा वाला एटम भी है, मतलब कैटायन मान लो बहुत छोटा वाला है, ठीक है, छोटा वाला कैटायन है, तो वो इंडस्ट्रियल स्पेस में एक्स्ट्रा घुस जाता है. एक्स्ट्रा एटम जो वॉइड है, खाली जगह है, उसमें एक्स्ट्रा घुस जाता है. तो इंडस्ट्रियल इफेक्ट का मतलब है वॉइड में वा फ्री स्पेस में एक्स्ट्रा छोटा सा एटम क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है, जो कि आपका डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. और इसका रीजन होता है कि वॉइड से अगर कैटायन का साइज अगर छोटा होता है तभी इंसर्ट होता है, एक्स्ट्रा इंसर्ट होता है, जरूरत से ज्यादा इंसर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट. शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, कोई एक
आयनिक क्रिस्टल है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन मिसिंग होता है। जैसे टू कैटायन अगर मिसिंग है तो टू एनायन मिसिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट के डिफेक्ट में होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन क्या होता है, मिसिंग होता है। इसमें भी डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, बाहर से आयन्स एंटर नहीं होगा, अंदर का आयन्स भी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन लेकिन जो अरेंजमेंट है ना, अरेंज होके बैठा हुआ है, उसमें जो छोटा साइज का कैटायन होगा वो डिस्प्लेस्ड होगा दूसरा वॉइड में, ठीक है। कैटायन का छोटा आयन्स का डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरा, तभी तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी का कोई चेंजेस नहीं होता है। तो याद रखना, वैकेंसी में डेंसिटी डिक्रीज होता है, इंटरस्टिशियल में इंक्रीज होता है, शॉर्टकी में डिक्रीज होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आते है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग मेनली इस चैप्टर में है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ना है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर होता है, एक्सट्रिंसिक होता है इंप्योरिटी जब एडेड होता है। तो दो टाइप का इंट्रिंसिक होता है, पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एड होता है, जहाँ पे मेजोरिटी कैरियर होल्स होता है। और एन टाइप में आपको पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एड होता है, जहाँ पे मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सेमीकंडक्टर वीडियो नहीं दिया लेकिन उसको जब दे दूंगा वहाँ पे सीखने से हो जाएगा फिजिक्स में। नेक्स्ट है हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिजिक्स में। जैसे फिजिक्स का जो फिफ्थ नंबर चैप्टर है, जहाँ पे मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कशन किया है, तो बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बहुत डिटेल्स डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अब उतना पढ़ लेने से तो काफ़ी है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक समझ में आएगा तो एंटी फेरोमैग्नेटिक भी समझ में आ जाएगा। तो दो टॉपिक एक्स्ट्रा करके पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो बाद में फिजिकल क्लास में रियल क्लास स्टार्ट होगा तब बता देंगे। तो ये चैप्टर मेनली हाँ जितना बताया उतना ही हो जाएगा। सीबीएसई जो स्टूडेंट है सीबीएसई में ये चैप्टर जरूरत नहीं है बोर्ड के लिए, बट स्टेट के लिए जरूरत है और एंट्रेंस के लिए लेकिन जरूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट आई विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलॉन्ग विथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड की भी कोशिश करूंगा। तो जितना पढ़ा दिया उतना पहले ठीक करो, तो फिजिकल क्लास होगा कुछ एक्स्ट्रा होगा तो न्यूमेरिकल वगैरह करा के फिर एक्स्ट्रा कुछ कंसेप्ट अगर है तो आई विल एक्सप्लेन डिटेल्स लेटर ऑन। लेकिन अभी जितना बता रहे उतना एटलीस्ट क्लियर करो, ओके फाइन।